ए का वैल्यू यानी कि मान दे दिया है माइनस एक, बी का भी दे दिया है, तो इस सब का वैल्यू यानी कि मान निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन यानी कि हल, पहले इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो ये यहाँ पे उतार देंगे, ठीक। नाउ आप लिख भी सकते हैं गिवेन ये ए इजकल टू माइनस वन एंड द बी इजकल टू टू, ठीक है। आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो, उसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसलिए मैं नहीं लिखा, ठीक है। आपका मन यहाँ पे उतार दीजिए सोल्यूशन में, तो नहीं उतार दिए, ठीक। बराबर देंगे, देखिए ये ए है, ए का वैल्यू माइनस एक है, माइनस एक देंगे, ठीक। फिर देखिए बी है, बी का वैल्यू दो है, इसको ऊपर में दो दे देंगे। फिर प्लस है तो फिर प्लस देंगे। बी है, बी का वैल्यू वापस से दो है तो दो दे देंगे। फिर ऊपर में ए है तो ए का वैल्यू माइनस वन है तो माइनस वन दे देंगे, ठीक। बराबर देंगे। नाउ अब ब्रैकेट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस दे के ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। माइनस दो बार लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि माइनस अगर सम में रहता है ना, सम में यानी कि वेट अ सेकेंड, माइनस अगर सम में रहता है, ठीक है, यानी कि इवन में, तो प्लस हो जाता है, ठीक। और अगर ओड में रहता है तो माइनस हो जाता है। अब इसका मतलब क्या, देखिए माइनस अगर इवन में रहेगा, इवन यानी कि सम में रहेगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए जैसे माइनस आठ बार रहेगा तो प्लस हो जाएगा, वही अगर माइनस रहेगा ओड में, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा। ओड यानी कि विषम, विषम सम क्या, जिसमें दो से डिवाइड लग जाता है उसको सम बोलते हैं, दो से डिवाइड नहीं लगेगा तो विषम बोलेंगे। अगर ऐसे रहता तो माइनस होता, क्योंकि सात ओड नंबर है इसलिए माइनस हुआ। तो माइनस दो बार तो प्लस, नहीं भी देंगे तो चलेगा, दौड़ेगा। एक को दो बार लिखेंगे तो एक को कितना बार भी लिखेंगे तो वही ना होगा, प्लस प्लस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लव होता है, एक रूल होता है। अब बगल में लिखते चलेंगे, आपका मर्जी, लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते हैं। ये यहाँ पर बगल में आप लिख भी सकते हैं, ये वाला लव, ये ऐसे, ठीक है। ए रेस टू द पावर या ये ए ओवर माइनस वन, इसका क्या हो जाएगा, वन बाय ए या वन अपॉन ए, ठीक। अब इसको इस पर सेटिंग कर देंगे, ठीक है। देखिए ये इसको बेस से आधार बोलते हैं, यहाँ पर बेस से आधार दो है, सेम टू सेम दिख रहा है ना। आप ऐसे लगे जाए तक कोई भी लेटर यूज कर सकते हो। इसको मैंने ऐसा लिखा तो इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे वन बाय टू हुआ, ठीक। मैं रिपीट करके कह देता हूँ, आप चाहो इसको आप यहाँ से यहाँ पे उतार सकते हो, ठीक। अच्छा नीचे में कुछ नहीं है तो एक हो गया, क्लियर है। अच्छा नीचे में कुछ नहीं है तो एक, अब एक और दो कैल्शियम करेंगे तो दो हुआ। एक को कितना बार पढ़ेंगे, दो आएगा, दो बार उदो को एक से गुना करेंगे तो दो हो गया। प्लस नहीं दिया मेरा मर्जी, प्लस प्लस दो को कितना बार पढ़ेंगे, दो आएगा, एक बार उससे को एक से करेंगे तो एक हो गया। तो यहाँ पे देखिए प्लस छुपा हुआ है, चूंकि वैसे भी यहाँ पे प्लस शुरू में कुछ ना रहता है तो प्लस छुपा रहता है। तो प्लस 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 दो एक कितना हो गया, थ्री बटे दो या थ्री अपॉन टू यानी कि तीन बटे दो, क्लियर। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर, हो गया ही फिनिश, क्लियर। ए का वैल्यू था माइनस वन तो माइनस वन दे दिए। फिर ऊपर में बी है तो बी का वैल्यू दो है तो दो दे दिए। प्लस तो प्लस, बी है, बी का वैल्यू दो है। फिर ऊपर में ए का वैल्यू माइनस वन है तो माइनस वन दे दिए। फिर माइनस को दो बार लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा। एक को दो बार लिखेंगे तो एक हो गया। अब इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए माइनस एक है तो माइनस एक दो बार, माइनस एक एक बार और ये दो बार। तो चिन्ह को एक जगह कर लेंगे, चिन्ह को एक जगह कर लेंगे, डिजिट को अंक को एक जगह कर लेंगे। माइनस वन प्लस, एक को एक से बना के एक, प्लस एक लिखिए, एक लिखिए, एक ही बात है, ठीक। अच्छा दिक्कत, अब इसके आगे भिन्न जोड़ कर लीजिए। यहाँ पर दूसरा नीचे में कुछ नहीं तो एक दे सकते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, चलेगा। नीचे में जैसे ऐसे है ना, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लिखिए एक ही बात है, ठीक है। एग्जाम्पल है, इतना घसरा नहीं है, साफ सुथरा, दैट मीन्स नीट एंड क्लीन बनाना है, ठीक। अच्छा अब इसको देखते हैं यहाँ पे ए ओवर बी या ए ओपन बी, नहीं ए ओपन बी नहीं होगा, ए ओपन वन ओपन टू तो ऐसे होगा। इसको क्या पढ़ेंगे, ए ओवर बी या ए रेस्ट रेज्ड टू द पावर बी, रेज यानी कि उठा हुआ है ना, ठीक है, या ए की घात बी, या इसको घात या पावर या एक्सपोन या इंटेक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए फिर बी ओवर ए या बी रेस्ट टू द पावर ए, ठीक।
इतना घसरा नहीं है, बराबर सोल्यूशन लिख सकते हैं आप यहाँ पे सोल्यूशन, सोल्यूशन ठीक। अब ए है वापस से फिर वही माइनस एक ठीक, फिर बी तो बी का वैल्यू दो तो माइनस तो माइनस बी दो, फिर ऊपर में ए तो फिर यहाँ पे माइनस वन ठीक, फिर वही चीज माइनस दो बार तो प्लस नहीं भी देंगे तो चलेगा, देखो यहाँ पे दिए थे ना इसमें नहीं देंगे मेरा मर्जी, एक और दो बार लिखेंगे तो एक ही होगा ठीक, माइनस वन फिर वही चीज वन अपॉन टू, हाँ इसको पढ़ेंगे वन अपॉन टू वन बाई टू ठीक है, या वन ओवर टू नहीं वन ओवर टू इसको थोड़ी पढ़ेंगे, वन अपॉन टू पढ़ेंगे या वन बाई टू पढ़ेंगे, यानी कि एक बट्टा दो नीचे में एक, एक दो का एलसीएम करेंगे तो दो, एक को कितना वापर करेंगे तो आएगा दो बार, उदू को एक से करेंगे तो दो माइनस माइनस दो को कितना वापर करेंगे तो आएगा एक बार, उसे को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ठीक है, फिर वही चीज घिसा पिटा शुरू में कुछ नहीं तो प्लस छुपा हुआ है ठीक। अच्छा फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस दो में से किया तो एक हो गया, चिन्ह बड़ी संख्या का सैन बड़ी संख्या दोनों से बड़ा कौन है, दो दो का चिन्ह प्लस नहीं भी देंगे तो चलेगा दौड़ेगा, ये हो गया इससे आंसर ठीक, ये भी बन गया ये भी बन गया। अच्छा अब देखते हैं थर्ड पार्ट, ए पहले तो क्वेश्चन बता लेंगे ठीक, सोल्यूशन लिख देंगे यानी कि हल, ए फिर वापस से वही माइनस वन बी बी के ऊपर में दो तो दो इंटू फिर बी दो ठीक, फिर ऊपर में दो तो ऊपर में दो तो क्वेश्चन में दो है ना तो दो दे देंगे ठीक, फिर वही चीज माइनस एक को दो बार तो प्लस, यानी कि इसको दो बार लिखेंगे तो एक हो जाएगा एक ठीक बात, इंटू तो इंटू दो दो ना चार, दो को दो बार लिखेंगे ना दो को दो बार पावर में ना दो दो ना चार ठीक। चलिए ये सब पीछे के पेजों पे करना है ठीक है, पीछे के पेजों पे करना है। अब एक को चार से गुना कीजिए या चार को गुना कीजिए, एक से एक ही बात है ना, चार हो गया ना चार फोर है ठीक है आंसर ठीक ओके। देखिए इसको ब्रैकेट में लिया ना आपने तो इसको भी ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, मैंने लिया ब्रैकेट में लेकिन भावना समझिए करने का ठीक है, तो थोड़ा पैटर्न में लिखिएगा ना अरेंज करके तो सुंदर लगेगा। अब इसको तो ब्रैकेट में आपने दे दिया, इस दोनों को खुला छोड़ दिया तो ऐसा नहीं, ये ब्रैकेट सब ब्रैकेट देखने में सुंदर लगेगा, बाकी ये लेके मार्क्स कटेगा ऐसा कुछ होने ठीक है। अच्छा अब ये लास्ट फोर देखिए, ए ओवर बी डिवाइड बी ओवर ए, यानी कि ए रेस्ट टू द पावर बी डिवाइड बी रेस्ट टू द पावर ए, यानी कि ए की घात बी और बी का घात ए, यानी ए का पावर बी बी का पावर ए, कुछ भी कैसे भी कैसे भी करके पढ़िए। फिर यहाँ पर देखिए ए ए का वैल्यू फिर वापस से माइनस एक, बी का वैल्यू फिर वापस से माइनस, यहाँ पे छोड़िए यहाँ पर स्पेस का कमी है, गलती नहीं था स्पेस कम हो गया ठीक है, जगह का कम हो गया, हो गया बी का वैल्यू दो ए का वैल्यू माइनस वन माइनस वन ठीक बात, और देखिए फिर वही चीज घिसा पिटा एक डिवाइड ठीक, फिर उसको ऐसे अभी मैंने आपको बताया ना वन अपॉन टू कहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ठीक, देखिए है ना इसका ये किस रूल के अकॉर्डिंग अभी मैंने बताया था ना वही एक। अब देखिए डिवाइड होता है तीन टू दे देते हैं, यहाँ पे व्युत्क्रम करते हैं, व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऊपर वाले को आंसर यानी कि न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर यानी कि हर बोलते हैं, ऊपर वाला नीचे नीचे वाला ऊपर आता है भाग गुना हो जाता है तो यानी कि डिवाइड गुना में यानी कि प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में बदल जाता है तो ठीक है, नीचे में कुछ नहीं तो एक ठीक। अब एक को गुना करेंगे दो से, दो को गुना करेंगे एक से तो दो हो जाएगा ठीक, एक को गुना करेंगे एक से एक हो जाएगा दो बटे एक, तो दो लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, दो बटे एक तो क्या लिखेंगे दो लिख सकते हैं एक, जब हम एक अपना मन से दे सकते हैं तो हटा भी सकते हैं ना मेरा मर्जी, दो हो गया ठीक है, ये भी बन गया ठीक है। अगर हो सके तो मेरे YouTube चैनल वन एंड ओनली मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा ठीक है, क्योंकि हम आपसे अनुरोध ही कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा कि चैनल को बड़ा बनाने का, और साथ ही आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और जूनियर स्टूडेंट हो या मीडियम स्टूडेंट हो या हाई स्कूल के स्टूडेंट हो ठीक है, सबको तो शेयर कीजिएगा, और जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है वो सब में थोड़ा जिक्र कीजिएगा चैनल को, और बड़ा बनाइए ठीक है, चैनल से खुद भी जुड़िए और दूसरे को भी मोटिवेट कीजिए जुड़ने के लिए।